अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम और बहुत ही मेरे मन को प्यारा विधान आप लोगों को दे रहा हूं। ऐसा हर एक को भाव आता है कि माँ भगवती देवी काली की पूजा करें, लेकिन शुरू कैसे करें, कौन से मंत्र से करें, किस विधान से करें, अगर किसी विधान से साधना कर भी ली तो क्या साधना सफल हुई, ये सारे विषय जो है लोगों के मन में चलते रहते हैं। तो इन विषयों का निराकरण है कि आपको सही सही पता होना चाहिए कि माँ भगवती को कैसे बुला के उनको सेवा दी जाती है। तो आज मैं आपको मंत्र और विधान दोनों बताऊंगा कि भगवती की साधना के लिए अपने जीवन में भगवती का आगमन कैसे करवाया जाता है। सबसे पहले भगवती की पूजा के लिए आपको एक ऐसे स्थान, ऐसे मंदिर या ऐसा पूजा जहां पर हो सकता है वार्षिक पूजा हो रही हो, या ऐसा देवी स्थान जाना होगा जहां भगवती देवी काली की नित्य पूजा होती है। उनके विग्रह के सामने खड़े होकर आपको प्रार्थना करनी है, आमंत्रण देना है कि हे भगवती देवी काली, आप मुझे अपना सेवा भक्ति का वरदान दीजिए, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, उसके बाद एक स्थान घर में तय कर लो श्यामा काली को स्थापित करने के लिए। वो स्थान सिर्फ पूजा के लिए रहेगा, उस स्थान पर आप किसी भी और तरीके का कार्य नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सेपरेट स्थान होगा क्योंकि भगवती उग्र है, भले श्यामा वर्णी हो। उसके बाद एक भगवती की तस्वीर रखेंगे आप, जिसमें भगवती श्यामल वर्ण हो, मतलब काली नहीं हो सकती भगवती, नीली भगवती आपको रखनी है, नीले रंग में, जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसी भगवती को रखना है। और माँ और महादेव का आंख नहीं मिलना चाहिए, जैसे इस मूर्ति में आप देख सकते हैं। माँ दशानन होगी और 10 हाथ वाली होगी, ये तस्वीर मिलता है आप लोगों को, मिल जाएगा इस रूप में, आप इनकी पूजा करें तो सर्वोत्तम है, अगर ना मिले तो एक मुख भी चलता है। ठीक है, माँ के नाम पर एक कलश बैठाया जाता है, ठीक, और पंच पल्लव बैठाया जाता है। पंच पल्लव आप लोग गूगल कर लेना, जो पांच ऐसे पेड़ हैं जो कि फलदायक या छायादायक होते हैं, उनके तनों को पत्तों के साथ हम स्थापित करते हैं उस कलश में, और हर अमावस्या या हर 14 को हर महीने उसको बदला जाता है। माँ के नाम पे एक कलश को स्थापित करेंगे कि हे माँ तुम अब यहाँ पर विराजमान हो जाओ, उसमें जल डालेंगे और पंच पल्लव डालेंगे, ऊपर से एक नारियल डालेंगे। हर अमावस्या या 14 जिस भी दिन आपने माँ की स्थापना की है, उस दिन उस नारियल को हटाएंगे, उससे पत्ता हटाएंगे और एक ग्लास रखेंगे जिससे कि उस कलश से आप पानी निकालेंगे और दूसरे से भरते जाएंगे, मतलब वो कलश कभी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर से वापस नए पंच पल्लव, उसके ऊपर नारियल, उसके ऊपर एक नया कपड़ा, ये हर महीना आप करते रहेंगे। ठीक है, जो शुरुआती विधान, ये मैं व्यवस्था आपको बता रहा हूँ, एक तस्वीर, एक कलश जिसमें पंच पल्लव, नारियल और ऊपर से कपड़ा ढका हुआ, ये एक अलग स्थान होगा। माँ का अगर आप शयन का व्यवस्था कर सकते हैं तो एक छोटा शयन का व्यवस्था करिए, और माँ के सामग्री के लिए एक अलग अनवारी या कबर्ड होना चाहिए छोटा सा उस जगह पर, ये एक अलग पूरा आपको व्यवस्था रखना होगा अगर आप भगवती काली की आराधना करना चाहते हैं तो, नित्य दिन पूरे जीवन, और माँ के मातृत्व का आनंद लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 9 दिन चुनना है जिसमें आप साधना करेंगे, जिस साधना में भगवती का आप आमंत्रण करेंगे उस 9 दिन को चुन लीजिए। ऐसे वो 9 दिन किसी भी जो कृष्ण पक्ष होता है उसके एक पूजा से लेकर 9 पूजा तक हो सकता है, और पूर्णाहुति आप उसके अमावस्या को दे दीजिएगा। ठीक है, और जो पूर्णिमा के दिन है उस दिन माँ को निमंत्रण दे करके आप बुला लीजिएगा, एक पूजा से 9 पूजा तक आप माँ का मंत्र करेंगे। ये अगर गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि में करते हैं तो सबसे उत्तम फल देगा। ठीक है, आपने निमंत्रण दिया पहले दिन
तस्वीर को स्थापित किया, माँ को चुनरी पहनाया, उसके बाद कलश स्थापना किया, कलश में पंच पल्लव डाला, जल भरा, उसके ऊपर नारियल रखा, कपड़ा रखा, ठीक है, माँ को पंचोपकार पूजा किया आपने, धूप दीप नवेद गंध, और उसके बाद फिर माँ का जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला से। रोज आप 10 माला जाप, पहले 9 दिन करेंगे और उसके बाद 54 या 108 दोनों मान्य है इस मंत्र का रोज जाप करेंगे। इसके अलावा आप काली के जिस मंत्र का जाप करना चाहते हैं करेंगे। रोज 10 माला के बाद दशांश हवन होगा, ये पहले 9 दिन पे होगा। जिस दिन पूर्णाहुति होगी, जब अमावस्या को आप पूर्णाहुति करेंगे, तो पूरे जाप का दशांश हवन करेंगे। किस चीज़ से? तिल, जौ, गूगल और रार से। ये भगवती का पसंदीदा है। इसके अलावा फल 5 प्रकार का और मिठाई 5 प्रकार का आपको हवन में देना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा जो तांत्रिक विधान से भी पूजा कर सकते हैं उनके लिए है कि माँ को शुद्ध घी, बिल्कुल शुद्ध घी, और साथ में कारण मतलब शराब मिला करके हवन में आहुति देना चाहिए माँ के लिए, ठीक है। तो ये सारी वस्तुएं हैं जो आपको चाहिए होंगी। माँ को आमंत्रित करने का मंत्र अब सुनिए। एक विषय मैं ऐसा बीच में पहले बोल दे रहा हूँ कि आपको ध्यान तो करना ही है भगवती का। जो हृदय में ध्यान मैंने सिखाया है कि माँ एक श्मशान में खड़ी है, भैरव उनके पैर के नीचे है, मतलब महादेव, और रत्नासन पर है भगवती, चारों तरफ मुंडमाल है, चारों तरफ राक्षस हाहाकार मचा रहे हैं भूत प्रेत। माँ मुंडमाला लेकर के खड़ी है और ये आप अपने हृदय में माँ का दर्शन करेंगे। जो पूर्ण विधान दर्शन का पहले बताया है कि माँ को कैसे ध्यान करना है, उसी विधान से माँ का ध्यान करेंगे, फिर उसी पर केंद्रित होकर के मंत्र पढ़ेंगे। क्या मंत्र है? मंत्र है ओहो महेशानी प्रकृति महाप्रकृति काली महेश्वरी नागनंदनी परमेश्वरी ह्रीम ह्रीम हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। ओहो, ओम नहीं है, याद रखिएगा, ओहो महेशानी प्रकृति महाप्रकृति काली महेश्वरी नागनंदनी परमेश्वरी ह्रीम ह्रीम हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का आपको रोज 10 माला करके दशांश हवन करना है और जिस दिन पूर्णाहुति होगी उस दिन पूरे 9 दिन के जाप का आप दशांश हवन करेंगे। एक चीज और, 9वें दिन के बाद और जो दशांश के बीच का जो गैप है, रोज आप एक माला या 54 माला, 54 गिनती जो भी आप चुनते हैं वो रेगुलर करेंगे। और जो एक बार आपने तय कर लिया कि माँ का आप 54 माला करेंगे, 54 गिनती में जाप करेंगे या फिर 108 की गिनती में जाप करेंगे, जो भी आप तय करते हैं वो निरंतर आजीवन चलना चाहिए। इस 9 दिन की साधना के तुरंत बाद या इस 9 दिन की साधना के बीच में चाहे तो आपको आभास होगा कि माँ आपके पीछे आके खड़ी हुई है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके घर की किसी महिला को ऐसा स्वप्न आएगा कि माँ भगवती घर में प्रवेश कर रही है, ठीक है। जब ऐसा हो तो अपने घर वालों को भी ये बता के रखेंगे कि अगर माँ घर में प्रवेश कर रही है, आप ऐसा सपना में देखते हैं, तो आपको डरना नहीं है और माँ का स्वागत करना है। आपको भी अगर ऐसा आभास हो, जब माँ आती हैं तो वो बड़ा अलग एक परिवेश हो जाता है, वो जो पूरा माहौल है वो बदल जाता है, तो उस समय आपको भी डरना नहीं है। माँ है और जिस माँ की हम पूजा करते हैं श्यामा रूप में, वो मातृभाव में है, वो लज्जा स्वरूपिणी है, उन्होंने जीव निकाला जब उन्होंने महादेव पर पैर रख दिया, तो वो सौम्य काली है, वो काली नहीं है जो युद्ध में लोगों को मार रही थी, जो दानव थे उनको मार रही थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इनको बेसिक डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल भी ऊपर आता हूँ, उसमें रूट मैप एक्सप्लेन कर मेरा फोन नंबर है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत अर्जेंट हो तो व्हाट्सएप नंबर है 9438। बहुत अनिवार्य है, माँ भगवती आप लोगों को सुरक्षित रखें।